डीप आंसर्स, आपकी समस्या दीप त्रिवेदी के समाधान। सर, आपने अपने एक कोट में कहा है कि आपको हर समय वहाँ होना चाहिए जहाँ उपस्थित होकर आप श्रेष्ठ सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। क्या आप खुल के बता सकते हैं कि वो जगह कौन सी है? मैं कुछ कोट लिखता ही इस तरीके से हूँ कि आदमी सोचने पे मजबूर हो जाए, और आप सोचने पर मजबूर हुए, मेरा कोट लिखना सफल हुआ। मनुष्य कायदे से 24 घंटे जहां पर भी है, उसके टाइम एंड स्पेस का जहां पर भी जो भी मिलन हो रहा है, वो उसी जगह पर है जहां पर उसे होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य वो जगह बदलना चाहता है और इसी से वो भटक जाता है। यह मैंने आपसे एक बहुत बड़ा विज्ञान कहा, सीधी और सरल भाषा में। सो इस कोट का अर्थ इतना ही है कि आप जहां पर हैं बस वहीं परमात्मा है और कहीं परमात्मा नहीं है। आप जहां पर है वहीं सफलता है, आप जहां पर इस समय है वहीं आनंद है, और वहां नहीं है तो कहीं नहीं है। यही बात तो कोई समझ नहीं रहा है, और इसीलिए भगवान को खोदने निकलते हैं, सुख खोदने निकलते हैं, आनंद खोदने निकलते हैं, और उनमें से किसी को कभी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो खोजने निकले हैं। जबकि जीवन की वास्तविकता ये है कि मनुष्य जहाँ है वहीं आनंद है, वहीं परमात्मा है, और वहीं सकारात्मकता है। सो आप एक तय कर लें कि कुछ भी बदलने की कोशिश ना करें, जहाँ पर हैं वहीं पर सर्वश्रेष्ठ आप क्या कर सकते, उसी से कैसे आनंद ले सकते, उसी में कैसे ध्यान लगा सकते, बस यह तय कर लेंगे आप, तो आपको कहीं कुछ खोजने नहीं जाना पड़ेगा। आप जब भी और जहां भी होंगे परमात्मा के साथ होंगे, सुखी और सफल होंगे। राह और मंजिल अलग अलग नहीं होती है, इस बात को थोड़ा समझ लेना। मनुष्य जहां खड़ा है उसकी राह भी वही है और उसकी मंजिल भी वही है। यदि कृष्ण महाभारत के युद्ध में खड़े हैं तो वो युद्ध भूमि ही उनके लिए परमात्मा है, और वो युद्ध ही उनके लिए राह से उन्हें परमात्मा पाने के लिए या परमात्मा प्रकट करने के लिए या रास रचाने के लिए महाभारत के युद्ध से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और अर्जुन ये समझ रहा है कि युद्ध में पाप होगा, परमात्मा पाना है तो युद्ध से भागना पड़ेगा। बस जो गलती अर्जुन कर रहा है वही गलती यहाँ हर कोई कर रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है कि वो जहाँ है वहाँ परमात्मा है, और वहाँ नहीं है तो फिर कहीं पर भी नहीं है। सो उम्मीद आप इस कोट को और मेरी बात को समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध। Hey, I am the mind, most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am The Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।